गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अपनी हैबिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए या फिर उन्हें एक्सपैंड करने के लिए हमें किन किन उपायों का उपयोग करना चाहिए। तो उसमें हमने बात की थी रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट, ज्वाइनिंग कम्युनिटी और रिस्ट्रक्चरिंग द हैबिट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड करियर काउंसलर। जब हम बात करते हैं किसी भी हैबिट को इम्प्रोवाइज करने की या इम्प्लीमेंट करने की, तो उसमें हमारे एनवायरनमेंट का, एनवायरमेंटल सेटिंग्स का, सराउंडिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब आप एग्री करते होंगे। तो इसी के मुताबिक मैं आपको एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट का। शी इज़ ए हाउस वाइफ और उन्होंने मेरे से ये कंप्लेंट की कि मैम मैं छोटे छोटे घर के काम करते करते सुबह सुबह कई बार सब चले जाते हैं तो मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ और सब्जी काटना, छोटे छोटे और तैयारी करना काम की, उसमें मैं टीवी देखना शुरू करती हूँ तो मैं उसी में इतनी एंगेज हो जाती हूँ कि उसके बाद मुझे वक्त का ध्यान ही नहीं रहता और मेरे सारे काम डिले ही होते चले जाते हैं। एंड नाउ आई एम सो मच एडिक्टेड टू इट कि मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रही, चेंज नहीं कर पा रही। सो व्हाट शुड आई डू? तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि टीवी स्विच ऑन किससे होता है। उन्होंने बोला रिमोट से। रिमोट कहाँ होता है? बिल्कुल फ्रंट टेबल टॉप पे। सबसे पहले उनका रिमोट टीवी स्विच ऑफ करने के बाद मैंने ड्रॉअर में रखने की आदत लगाई। दूसरा, लिविंग रूम के सारे काउचेस का जो फेस है वो टीवी की तरफ ही है और डेफिनेटली वो किसी भी एक काउच पे बैठ के, सेंटर टेबल पे अपना सामान रख के टीवी की तरफ मुंह करके बैठ जाती थी। तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप एक चेयर टीवी की तरफ बैक करके रखिए और एक छोटा सा टेबल किसी तरह से लिविंग रूम में ऐसे एडजस्ट करिए जो अप्रोचेबल हो किचन के साथ भी और लिविंग रूम के साथ भी। उस टेबल पे आप एक बुक रखिए, एक म्यूजिक सिस्टम रखिए अगर हो सके, नहीं तो अपना मोबाइल वहाँ रखिए। आपने जब भी बैठना है वहाँ चॉपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, आपने उस चेयर पे बैठना है जिसकी बैक टीवी की तरफ होगी। आप अपना काम करिए, साथ साथ हो सके कुछ ऐसा फिजिबल है कि आप कोई अपनी मनपसंद की बुक पढ़ सकें या फिर आप अपना एक अच्छा मनपसंद म्यूजिक सुनिए, गाने सुनिए मोबाइल पे, म्यूजिक सिस्टम पे, और वो गाने चलते ही रहें। चाहे वो आपका रिलीजियस मूड है, आपका रोमांटिक मूड है, आपका कोई सोलफुल म्यूजिक सुनने का मूड है, ऐसे करते करते आपका काम भी बहुत अच्छा होगा और टीवी के रिमोट तक आप पहुंचेंगे नहीं क्योंकि वो टेबल टॉप पे नहीं, वो ड्रॉअर में होगा। तो इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। दिस इज माई पर्सनल एग्जाम्पल एक्चुअली, हाउ वी कैन रिस्ट्रक्चर आवर हैबिट्स इफ दे आर नॉट वर्किंग वेल। तो उसमें हमने बहुत नोटिस किया कि बहुत सारा फ्रूट घर में आता है, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, समथिंग एल्स। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सो मच ऑफ ईटिंग फ्रूट्स। सो मैं उन्हें फ्रीजर में, सॉरी, रेफ्रिजरेटर के वेजिटेबल बॉक्स में रख देती थी। धीरे 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 फ्रेश वेजिटेबल्स आती जाती थी, पाइलअप होती जाती थी, तो फ्रूट वो नीचे रह जाता। बींग ए फुल टाइम प्रोफेशनल, आई एम नॉट सो मच अवेलेबल एट होम, सो आई कुड नॉट पिक इट अप एंड सर्व टू द फैमिली। खुद तो मैं खाती नहीं, दूसरे भी नहीं खा पाते थे। और थोड़े दिनों के बाद जब मेड बताती थी कि ये सब खराब हो गया, ऐसे हो गया, तो फिर उसे डस्टबिन में फेंकते हुए मुझे लगता था कि ओहो, ये सारा पैसा और हेल्थ डस्टबिन में जा रही है। फिर मैंने नोटिस किया कि वाई आई एम सो लेजी इन सर्विंग दैट फ्रूट और ईटिंग दैट फ्रूट। तो उस वक्त फिर मुझे ध्यान में आया कि वाई वी शुड नॉट कीप इट ऑन डाइनिंग टेबल टॉप इन अ बास्केट। उसके बाद फ्रूट हमने बास्केट में रखना शुरू किया, फ्रीजर के अंदर नहीं रखना शुरू किया। तो धीरे 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 कोई भी आता है, अपनी मर्जी से पिक कर लेता है, कट कर लेता है, खा लेता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन माई किचन हेल्प है, इफ दे वॉन्ट टू हैव समथिंग दे कैन हैव फ्रॉम देयर। तो अब वो फ्रूट यूटिलाइज हो रहा है, हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, पैसा बच रहा है। तो जैसे सर बोलते हैं रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टमेंट। तो ये होती है रिस्ट्रक्चरिंग द हैबिट। तीसरा पॉइंट था ज्वाइनिंग द कम्युनिटी। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, हम सब जानते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो जैसे लोगों में आप रहेंगे उस तरह का थॉट प्रोसेस, उस तरह का इन्फ्लुएंस, उस तरह की वाइब्स आपकी जो है हैबिट को, थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक बाइकर क्लब ज्वाइन करेंगे। अगर आप
मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक वालों का ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आई वांट टू लर्न समथिंग कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो आप किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर का ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से ज्वाइन ए कम्युनिटी। और जैसे हम अब बिजनेस सेल्स के लिए आगे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपना वीडियो मेकिंग, अपना स्टाइल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो हमने अपना एक बहुत ही वाइब्रेंट ग्रुप ज्वाइन किया है सर की गाइडेंस में, और हम अब उसमें बहुत नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और डेफिनेटली इट विल ट्रांसफॉर्म आर बैड हैबिट्स ऑफ शूटिंग बैड वीडियोज, पुअर क्वालिटी वीडियोज, विदाउट एनी गुड एनवायरनमेंट, विदाउट एनी गुड टाइटल्स। सो नाउ वी आर लर्निंग फॉरवर्ड टू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि आप भी इन अपनी हैबिट्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जरूर ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच। कीप हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।